तो दोस्तों ये देखिए शॉर्ट का जो है स्लीव्स कटिंग हम बताएंगे। तो शॉर्ट का स्लीव्स कटिंग बताएंगे। अगर आप मेरा बॉडी जो है शॉर्ट कटिंग देखे होंगे और मेरे जैसा बनाते होंगे तो ही जो है ये सेट करेगा आपके शॉर्ट में। और आप दूसरा शॉर्ट देख के अगर ये बाजू कट कर लीजिएगा उसमें सेट कीजिएगा तो नहीं होगा, बड़ा छोटा हो जाएगा। इसलिए जो है मेरा शॉर्ट कटिंग वीडियो देख ले, फिर जो है ये जब ऐसा बनाना होगा बाजू तो आप मेरा शॉर्ट कटिंग वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए इसको हम अच्छी तरीके से कटिंग करेंगे फिटिंग फार्मूला में। तो आप जो है इसको इस तरीके से फोल्ड करके कटेंगे तो इस तरीके से जो लाइनिंग होती है तो लाइनिंग में भी सीधा सीधा आएगा और इस तरीके से भी अच्छी तरीके से बैठता है। तो मैं जो कट करूंगा वो इसी तरीके से कट करता हूँ। लेकिन कमेंट आया है कि सर कपड़ा कम हो और तिरछी कट करना हो तो कैसे करेंगे। तो देखिए तिरछी कट करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको इधर से फोल्ड कर देते हैं और इधर पतला रखते हैं, ठीक है। तो इधर जो है सबसे पहले ये लंबाई देख लेंगे। तो जो मेरा बाजू का लंबाई है तो मेरा बाजू का जो लंबाई है वो 23 है। ये देखिए 23, यहाँ से हम यहाँ पे माप कर यहाँ मार्का लगा लिए और यहाँ जो है इस तरीके से। तो यहाँ जो मेरा कफ है वो रहेगा 9, तो यहाँ 9 नहीं ना आ रहा है तो इसको थोड़ा और बढ़ा देंगे। देखिए यहाँ पे ये देखिए 4.5 9 आया तो 5.5, यानी कि 1 इंची 1.5 इंची का अंतर में है इसे रखेंगे। इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए तिरछा में इसी तरीके से कटिंग करते हैं। अब इसको जो है हल्का नाखून लगा देंगे, ये नाखून लगा देंगे, ये मेरा क्रीच आ जाएगा। और ये देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे एक हल्का मार्का लगा देंगे। इसके बाद जो है ये जो हम ढुलाएंगे वो ढुलाएंगे 3 इंची, ठीक है। और इसे भी इस तरीके से हम मार्का लगा देंगे सीधा। इसके बाद हम जो मेजरमेंट लिए हैं तो मेरा बाजू का लंबाई 23 है तो इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से हम जो मार्का लगाएंगे 1/2 इंची कम मार्का लगाएंगे, 22.5 पे मार्का लगाएंगे और इसे भी सीधी मार्का लगा लेंगे। और यहाँ पे मार्किंग लगाना हो जैसे कि आप केहूनी नापे होंगे यहाँ से इसको 50-50 करेंगे। ये देखिए तो 50 इसको करेंगे तो ये मेरा आएगा 9.5। अब इसको जो है 2.5 इंच ऊपर करेंगे तो ये मेरा 12 पे आ गया। तो यहाँ भी जो है एक मार्का इस तरीके से लगा देंगे। तो यहाँ ये देखिए मेरा चेस्ट जो है वो है 36 इंच, ठीक है। तो ये 9 चौका 36 इस तरीके से आएगा। तो उसमें हम कम किए हैं, ऊपर की तरफ ले गए हैं 1/2 इंच, ये देखिए, ठीक है। तो 1/2 इंच हम ऊपर की तरफ ले गए हैं, 8.5 पे मार्का लगाए हैं तो इसे भी हम यहाँ पे इस तरीके से मार्का लगा देंगे। और यहाँ आप जैसे कि मापे हैं 12 रखना है या 13 रखना है या 11 रखना है तो इस तरीके से करके जो है हम यहाँ मार्का लगा देंगे। तो यहाँ पे जो है मेरा मार्का नहीं है, यहाँ से हम मिला के लगा देंगे। ये 9 है तो ये देखिए 4.5 गुना का 9 हो जाएगा। बट इसमें जो है मार्जिन हम दे देते हैं 2 सूत का, अगर टेकिंग नहीं चाहिए तो इसमें टेकिंग चाहिए तो ये 5 पे हम मार्का लगा दिए। और ये जो मेरा सेफ अंटी है तो सेफ अंटी को यहाँ रखेंगे और ये जो मार्का है यहाँ रखेंगे और इस तरीके से इसको हम मिला देंगे। ये देखिए ये मार्का कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है यहाँ से हल्का इस तरीके से डॉट डॉट करके राउंड यहाँ कर देंगे, ये मेरा मार्का हो गया। अब जो है इसको हम कट कर देंगे। यहाँ से इस तरीके से हल्का नोचिस लगा देंगे, इसको नोचिस लगाने के बाद जो है इसको यहाँ से इस तरीके से जिस तरीके से हमने मार्का लगाया है उसी तरीके से कट कर देंगे। ये देखिए उसके बाद जो है इधर सिलाई का मार्जिन देते हुए इसे कट कर देंगे। उसके बाद इसको इस तरीके से सीधा करेंगे और इसमें जो कोई निशान नहीं है उल्टा सीधा का तो ये निशान लगा दिए। उसके बाद जो है यहाँ से 1/2 इंची जो है हम डाउन कर देंगे। 1/2 से 1.25 इंची तक डाउन होती है, इससे ज़्यादा डाउन नहीं होती है। तो ये हम 1.25 इंची लगभग यहाँ से इस तरीके से डाउन कर दिए। इसके बाद इसको इस तरीके से रखेंगे
अब जो इसमें चाक पट्टी हम कट कर देंगे यहाँ से। तो चाक पट्टी कट करने के लिए यहाँ से इस तरीके से चाक पट्टी कट करने के लिए इसको यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे, उधर 5 इंच बाहर तरफ निकाल कर और ये मार्का लगा देंगे। फिर जो है यहाँ से हम मापेंगे 5.25 इंच और फिर जो है इसको कट कर देंगे। ये जो है कट हो गया स्लीव्स, तो ये कैसा लगा? ये देखिए स्लीव्स का जो है कटिंग हो चुका है। तो ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक करें और सबसे ज्यादा जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये स्लीव्स का कटिंग कैसा लगा। अगर ऐसा ही जो है आपको फिटिंग चाहिए तो आप मेरा शॉर्ट का कटिंग वीडियो देख लें और आप लोग हमेशा खुश रहा करें।